हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीआरडीओ केप्टम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज आपको सबसे पहले एज ए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ हमारे देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है और इसका हिस्सा बनना किसी भी उम्मीदवार के लिए गर्व और सम्मान की भावना है। ऐसे संगठन का हिस्सा बनने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स को न केवल स्पष्ट करना होता है, बल्कि आपको कट ऑफ मार्क्स से अधिक स्कोर करना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जब डीआरडीओ ने कट ऑफ अंक की तुलना में यह परीक्षा आयोजित की थी, तो यह हमारी अपेक्षा से बहुत ही अधिक हो गया था, क्योंकि छात्रों में पर दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। इसलिए आप सभी उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल कट ऑफ मार्क्स सूची क्वालिफाइंग करने के लिए 118 से कम नहीं होगी। डीआरडीओ अधिसूचना के अनुसार अंतिम चेयर TN1 परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर उम्मीदवार के पद, श्रेणी, उपश्रेणी का आधार होगा। तो अब हम टेबल में देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर TN1 एग्जामिनेशन। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाइंग, मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाइंग UR 40%, OBC 40%, EWS 40%, SC and ST 35%। अब आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई टेक ANUR 96 to 110 मार्क्स, OBC 80 to 95 मार्क्स, EWS 80 to 90 मार्क्स और SC and ST 60 to 70 मार्क्स। अब आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाइंग टेक UR 90 to 102 मार्क्स, OBC 75 to 85 मार्क्स, EWS 72 to 84 मार्क्स, SC 58 to 68 मार्क्स एंड ST 58 to 66 मार्क्स। लेकिन अगर हम छात्रों के बीच TR1 के पेपर स्तर और प्रतियोगिताओं के स्तर को देखें तो ये प्रत्येक सेक्शन से 10 से 15% अधिक ही हो सकता है। तो आप अच्छे से टेबल को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। DRDO कैप्टम 9 मेरिट लिस्ट 2019। DRDO ने टेक ए एंड ए और टेक के लिए पूरे देश में सफलतापूर्वक TR1 परीक्षा का आयोजन किया। जो छात्र TR1 परीक्षा को सफलतापूर्वक क्लियर कर चुके हैं उन्हें TR2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन TR1 परीक्षा के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से उम्मीदवार की पद और श्रेणी का आधार पर TR1 में प्राप्त मेरिट सूची में चुना जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को TR1 परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि DRDO द्वारा उनके आधिकारिक वेबसाइट में मेरिट सूची जारी की जाएगी और हम उसी के लिए लिंक आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी चेक कर लीजिए और आपको कहाँ से अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।